देखो स्टूडेंट्स, आज हमने सॉल्व करने हैं 2010 का साइकोलॉजी का पेपर पार्ट टू का। तो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं। जीन पियाजेट थ्योरी सजेस्ट दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स थ्रू, इसका आंसर है फोर स्टेजेस। इन एरिक एरिक्सन थ्योरी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट इज द डैश स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, इसका आंसर है फर्स्ट। कोहलबर्ग सजेस्ट दैट चेंजेस अकरिंग इन मॉरल रीजनिंग कैन बी अंडरस्टूड एज थ्री लेवल्स। कोहलबर्ग की थ्योरी के थ्री लेवल्स, इसका आंसर थ्री लेवल है। विच टेक्निक इज फ्रिक्वेंटली यूज बाई काउंसलर इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट दी प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइंट, तो इसका है इंटरव्यू। द कॉज ऑफ शिज़ोफ्रेनिया आर साइकोलॉजिकल, जेनेटिक, सोशल या मल्टीपल, तो इसकी मल्टीपल है, एक नहीं है, ठीक है। फोबिया इज इंक्लूडेड इन एंगजाइटी डिसऑर्डर्स। वट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज प्रेजुडिस, फॉल्स, स्टीरियोटाइप, पार्शली ट्रू या ट्रू, तो इसका आंसर है फॉल्स। REBT इज रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। CCT इज क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड आर देयर, तो थ्री है, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज ईटिंग डिसऑर्डर। एटीट्यूड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द फैमिली, पीयर ग्रुप, मीडिया, ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग। डिवेलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज डैश, तो इसका आंसर है चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ग्रोथ या नन ऑफ दीज, टू ग्रोथ। स्मोकिंग इज एन डैश एडिक्शन। साइकोलॉजी डील्स विद डैश कॉन्शियसनेस, बिहेवियर, माइंड, ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। बायोफीडबैक थेरेपी हैज़ प्रोवाइडेड टू बी इफेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, तो इसका आंसर है हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ सोशलाइजेशन आर डैश फैमिली, पीयर ग्रुप, मैस कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन आर द सेम, डिफरेंट, ऑलमोस्ट द सेम, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है डिफरेंट। एल्बर्ट एलिस इज द फाउंडर ऑफ साइकोथेरेपी डैश, तो इसका आंसर है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी।